मैं मेहू शेख जवाहार जावा आपका अपना एरीजोपीन टू ट्वेंटी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा एरीज आपके लिए अब थोड़ा से मामला जो है वो चैलेंज वाले बनने शुरू हो चुके चूँकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में जो है ये रेट्रोगे हो चुका मार्स अब अपनी डिग्रीज को पूरी स्ट्रेंथ में लेके जा चुका है जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है सेकंड पार्ट में ये थोड़ा सा वीक हो जाता है और बिल्कुल यहीं पे इन्फ्लुएंस जो है वो राहु का भी आपको जो है वो मिल रहा है तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लेकिन इसके बिल्कुल साथ साथ वीनर आईटक है पाँचवें घर में बहुत अच्छा सन फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छा तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए कुछ थोड़ी सी मिली जुली जो है वो चलेंगी सत्रह अगस्त को शफ कमर है जो कि आपके जायचे के दूसरे घर में ही होगा जहाँ पे मार्स ऑलरेडी मौजूद है बट ये आपके लिए एक अच्छी खबर जो है वो इन साबित होगा 20 अगस्त को मार्स यहाँ से निकल के तो जाएचे के तीसरे घर में चला जाएगा तो इस तरह मामला में कदरे थोड़ी सी तब्दीलियाँ जो है वो भी रूनमा होंगी तमाम चीज़ें आपकी गोश गुजार करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगान किया करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आप किस हद तक जो है वो मुस्तफीद हुए ये ज़रूर बताया करें और चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा तो सबसे पहले तो मैं जुपिटर पे बात करूंगा जुपिटर जो है ये आपके फर्स्ट हाउस में जो है यहाँ पे ये अब रेट्रोग्रेट हो चुका है चूँकि जुप्टर आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है तो ये आपके कुछ बैरून मलक जो ट्रैवल हैं उसको भी थोड़ा सा पॉस्टपोन कर सकता है ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का जो आपका प्लान प्लान था वो भी पॉस्टपोन हो सकता है हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन अगर आपने कुछ स्टार्टअप करनी थी तो उसके लिए अच्छा टाइम नहीं है इस वक्त अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो हर्डल्स बहुत सारी आएंगी डिले होता चला जाएगा और आप इरतक़ की कमी का सामना भी आपको जो है वो करना पड़ेगा इसके बिल्कुल साथ साथ चूंकि ये नाइन्थ हाउस स्परिचुअलिटी का भी है तो मैं आपसे कहूँगा चूंकि ये मुहरम हराम का महीना है बहुत सारी चीज़ें गर्दिश करती हैं बहुत सारी चीज़ें बातें अफवाहें सब कुछ आता है तो कोई भी चीज़ अपनी जो है वो आपने इस तरह से नहीं लेनी कि आप नए अकायद की तरफ जाए है वो मूवन हो जाए अपने रूहानी नजरियात के ऊपर जो है वो किसी के साथ बहस बहसो तकरार से गुजारिश कीजिएगा सोशल वर्क और रूहानी कामों में आप जो बड़े पेश पेश होते थे अब थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो गैप पड़ता नज़र आएगा आप देखेंगे कि थोड़ा सा फर्क पड़ गया हालांकि आप बैकेंड पे पूरा माइंड होता है कि ऐसा करें बट कर नहीं पाते सोच में आपकी जो है वो डेप्थ जरूर होगी इसमें को, कोई शक नहीं है और आप अपनी क्वालिटीज से लोगों की हमेशा मदद करते हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपको इसके ऊपर मजीद जो है वो आमादा भी करेगा मार्स को देखो तो ये सेकेंड पार्ट में जाके आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेंपर कर देता है और आप अपनी जो अवलीन टारगेट्स होते हैं उस पर कायम नहीं रह पाते आप उसमें से थोड़ा सा मुतजलसल जो है वो हो जाते हैं कई बार आप जो है सडनली uh, चेंज कर लेंगे अपने मामला को कि अच्छा मुझे ये नहीं पहले जो है वो ये काम देख लेना चाहिए ये मामला आपके लिए बेहतर नहीं होंगे फिर आपको चाहिए कि शारती लोग ऐसे लोग जो के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों के लिए उन ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में कि आप जानते हैं कि ये खाम जो है वो एक जिसको कहते हैं फसाद फैलाना या दूसरों की हिब्बत करना और ऐसे मामला में जाना उनके साथ एसोसिएशन से आपको जो है ये ग्रेज़ करने की ज़रूरत होगी मार्च सेकेंड पार्ट में जो है वो आपको गले की तकलीफ और आँखों की तकलीफ की तरफ जो है यहाँ पे भी जो है वो माइल कर देता है सो आ, ख्याल कीजिएगा अपने गु़स्से को आपको हर सूरत जो है वो कंट्रोल करना है ये आपके लिए किसी सूरत नहीं बेहतर होगा या आपके आठवें घर का भी लॉर्ड है सो अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ख्याल कीजिएगा एक हफ्ता है ट्वेंटी के बाद इन ये जाहिर के थर्ड में चला जाएगा तो काफ़ी फ़र्क जो है वो आ जाएगा लेकिन इतनी देर आपको जो है वो इससे ख्याल करना फिर ये सेकेंड पार्ट में आपसे कुछ गैर जरूरी अखराज जो अन नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी तरफ भी ले जाएगा सो अपने मामला को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा गो कि वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन में है और वो आपको माली मामला में काफ़ी सपोर्ट भी करेगा पाँचवें घर में जाके एजुकेशन में करेगा माल और एजुकेशन स्पेशली 12 से 14 के स्केल की उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन आपको मिल सकेगी माली इस्तेकाम मिल सकेगा बड़े फैसले उसकी वजह से जो है आप कर सकेंगे नॉलेज बेहतर होगा आपका वहीं पर जहानत में जो है वो इजाफा होगा बच्चों से आप खुशी ले सकेंगे और इसी तरह अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी साइड पर जो है ये भी जाता नजर आता है सन भी यहीं पर है सो बेहतर कुत फैसला भी मिलेगा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आ, थोड़ा सा आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप एज एडवाइजर अपॉइंट जो है वो हो सकते हैं क्योंकि सन ने यहाँ पे तो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कोई ऐसी अथॉरिटी जो मिनिस्टर लेवल की हो उसके आ, मिनिस्टर तक के लिए जो है आपकी अपॉइंटमेंट इस वक्त हो सकती है इसके बाद आप किसी भी स्केल में जो है वो चल रहे हों आप अपनी फैमिली अपनी बिरादरी अपने कस्बे गांव और आ, टाउन लेवल पे भी जो है एक अच्छी पोजीशन आप नुमाया शख्सियत के तौर पे जो है वो आप उभर के आ सकते हैं पांचवें घर में ये म्यूज़िक तरफ आर्ट की तरफ और इंटरटेनमेंट की तरफ भी जो है वो आपको माइल करता है पांचवे घर में सन आपको घूमने फिरने की तरफ जो है वो माइल करता है बच्चों की इज़्ज़त वकार में इजाफ़ा होगा और यहाँ पे भी ये भी कुछ आपको शादिली की तरफ जो है वो माइल करेगा आ, इसके अलावा जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उभर के बाहर आएंगी और आपके नेम फेम में इन शाला इजाफा होगा आप यहाँ से देखें अगर हम तो आ, इसका जो एक्जैक्टली तसलीस की नज़र है वो आपके असेंडेंट से बन रही है तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है आपकी याददाश्त में इजाफा होगा पावर मिलेगी अथॉरिटी मिलेगी इख्तियार मिल सकेंगे और इसके बिल्कुल साथ जो है वो आपकी मेमोरी भी इन श्ला डेवेलप होती नज़र आती है तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी साइड पे जाएंगी मज़ीद इसको बेहतर करना चाहें तो अपने आदमी ग्रूबी पहन सकते हैं कॉरल पहन सकते हैं रेडगेट पहन सकते हैं तीनों स्टोन बट क्वालिटी के जस्ट क्वालिटी स्टोन जो है उसको देखिएगा ये तीनों स्टोन आपके लिए बड़े ज़बरदस्त साबित होंगे और बेहतरीन जम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम विज़िट कर सकते हैं यहाँ आपको बेहतरीन चीज़ें मिल सकेंगी छठे घर में मौजूद मरकरी और वो भी एग्जॉल्टेड ये भी कुछ मिला जुला आपके लिए ज़्यादातर तो बेहतरी है आपकी जॉब का असूल में बेहतरी आएगी अगर आप ख़ुद कोई इम्प्लॉय रखना चाहते हैं वो रख सकेंगे आ, इसके साथ साथ जो आपकी फिज़िकल कंडीशन है उसमें बेहतरी आएगी लेकिन आ, कुछ हासदीन भी आपके जो डेवलप होंगे और आपको अपनी गुफ्तु पे एहतियात करना पड़ेगा अपनी तहरीर तकरीर से आप खुदा खासा किसी को अपनी एनिमी में मत खड़ा कीजिएगा सो अपनी क्वालिटीज़ को अपनी चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा दूसरी तरफ देखूँ तो शाक्ति अजवाजी तल्लत बहुत अच्छे साइड पर चल रहे हैं पाँचवें मौजूद है वीनस और आपके शाक्तियादाजी तल्लुत को रिप्रजेंट करता है फिर इसके बाद आपके दसवें घर का हाकिम और ग्यारहवें घर का हाकिम रेट्रोग्रेट है आपको अपनी जो भी प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं उसी के ऊपर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपके मामला ख़राब ना हो और नए काम के आगाज़ से भी अभी गुरेज करना चाहिए आपको अपने गोल्स अपने टारगेट्स उनको अचीव करने के लिए अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपको पहले से कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इसके बिल्कुल पैरेलल अगर मैं देखूँ तो दो सहबाब अभी भी आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होंगे बट शायद उतनी आपकी तो पूरा ना उतर सकें जितना कि पहले वो आपकी तो पूरा उतरते उम्मीद करता हूँ इन मालूम की रोशनी में आप अपने इस हफ्ते को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेज कर सकेंगे और इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आगे वेवस क्या हैं प्लानट्स की क्या पोजिशन है और किस तरह मामला चल रहे हैं और यही प्लानिंग आपको परवदिगार के फजल से जो है वो आगे कामयाबी तक ले जाती है इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप दोबारा हमारे चैनल पर आना चाहेंगे ऐसा हो तो बेल बटन पुश करके तो सॉरी सब्सक्राइब करके तो फिर बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा अल्लाफ़